सुना। तो आज मैं बताऊंगी आप लोगों को हाउ टू डेकोरेट अवर ओल्ड डायरी एंड सिंपल एंड बोरिंग पेन। इसके लिए हमें चाहिए होगा ये येलो पेपर, ये कुछ डार्क ब्लू टाइप का है वो, और ब्लू कलर की ग्लिटर शीट, पीकॉक फेदर एंड कॉपी या डायरी आप किसी को भी सजा सकते हैं, पेंसिल एंड पेन, सिजर, और अगर 3D ग्लू तो आपको कहीं भी मिल जाएगा एंड ग्लू। सो वी विल स्टार्ट अवर न्यू वीडियो। तो इसके लिए हम सजाएंगे सबसे पहले पेन। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये पेन का ये जो ऊपर का पार्ट आता है उसे हमें निकाल के दूसरी जगह रख देना है। और सबसे पहले इसे भी हम निकाल लेते हैं, इसके पीछे का पार्ट। तो इसके लिए हमने इसका पीछे का पार्ट को निकाल दिया है। तो आप लोगों को जितना रखना आप उतना इसको इसे डाल के देख सकते हैं। तो ये यहाँ तक तो नहीं आ पा रहा, तो हम इसे नीचे से थोड़ा सा कट कर लेते हैं। और इसे ऐसे कुछ इस तरह से इसके अंदर डाल देते हैं। और यदि इसके सामने में आ रहे थे उसे मैंने थोड़ा सा साइड साइड कर दिया। तो अब हम इसके पीछे का पार्ट को तो लगा नहीं सकते, तो हमें लिखने में तो बार बार प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए मैंने एक उस कॉपी का छोटा सा पेज निकाल लिया और इससे रोल कर करके इसमें लगा देते हैं। तो इसके पीछे आपने इस रिफिल को पीछे करके हम इसमें ऐसे करके इस पे लगा देते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे पेडल पेन का ऊपर का पार्ट तो अभी थोड़ा सा हो गया है, और अब चलिए इसके नीचे का डेकोरेट करते हैं। इस पेपर को हमें पतली से स्ट्रिप में कट कर लेनी है। इससे मैंने मैच कलर कर लिया है इस कदर से। तो अब हम इसे ऐसे करते हुए रोल रोल करते हुए लगाते जाते हैं। तो हम इसे लगाते हैं। तो यहाँ पर से अब हम इस पेपर को छोटा सा कट कर देते हैं। तो देखिए ये हमारा कुछ अब ऐसा दिख रहा है। तो अब हम इसे इसे इसके कैप को डेकोरेट कर लेते हैं। इसे भी वैसे ही रोल कर करके लगाना है। तो देखिए मैंने इसे रोल कर लिया है। तो देखिए अब ये लग चुका है।
तो देखिए हमारा फेदर पेन रेडी है, जब आप लिखेंगे तब ये ऊपर की तरफ होगा। तो देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, और अगर आप चाहते हैं इसे भी डेकोरेट कर लेंगे, कैप का एक वो स्टॉप कर लीजिए। तो चलिए अब हम कॉपी को डेकोरेट कर लेते हैं ये वाली। तो इसके लिए हमें पेपर को कुछ इस तरह से साइज देखना पड़ेगा, और इसके पीछे आधा आ रहा है, इसलिए हम इस वाले पेपर का आधा ले लेते हैं। तो ऐसे करके अब हम इसे पेस्ट कर देते हैं इस कॉपी में। तो इधर को भी अब हम पेस्ट, तो देखिए मैंने इसे पेस्ट कर लिया है, और अब हमें इस फोम पेपर को यहाँ पर इसका स्टिकर लगा के पेस्ट कर देते हैं। ऐसे ही हम ऊपर भी और इसके बैक साइड भी पेस्ट कर लेते हैं। सो गाइस, मैंने इसे दोनों साइड या फोम पेपर को लगा लिया है। और अब हम इसमें कुछ डिजाइन बना देते हैं। तो देखिए कि हमारा फेदर पेन भी रेडी है, और ये भी रेडी है। ये प्यारा सा क्यूट सा यूनिकॉर्न का डायरी, यहाँ पर मैंने बनाया उसका यूनिकॉर्न, और ये दोनों आईज, और उसके ये माउथ, और यहाँ पर मैंने लिखा है ब्लिसफुल। और इसके बैक साइड तो मैंने कुछ नहीं किया है, अगर आपका मन हो तो आप ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।